नमस्कार। निलंबित पीटीआई अध्यापकों से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर बता दें, चरखी दादरी के निलंबित पीटीआई अध्यापकों के धरना स्थल पर कई अन्य जिलों के निलंबित पीटीआई अध्यापक भी पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए पीटीआई अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के जोरदार नारों से चरखी दादरी जिले में पीटीआई बहाली की आवाज गूंजने लगी। निलंबित पीटीआई अध्यापक प्रदर्शन करते हुए विधायक सोमवीर सांगवान के आवास के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया। आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या निलंबित पीटीआई अध्यापकों के आगे हरियाणा सरकार झुकेगी? क्या निलंबित पीटीआई अध्यापक बहाल होंगे या फिर पीटीआई अध्यापकों को केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगी? अपना जवाब हमें कमेंट में बताएं और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि चरखी दादरी में पीटीआई अध्यापकों से के धरने से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। पुरानी कमिश्नरी है, उसके हिसाब से हमने बुलाया है। रोहतक से हमारे साथी है पीटीआई, हम महेंद्रगढ़ से हैं, जज्जर से हैं और गुरुग्राम से और भिवानी से। आज ये हमारा प्रदर्शन है और सोमवीर सांगवान से जवाब लेने के लिए हम यहाँ पे आए। अभी तक कोई सा भी काम नहीं हुआ, ना तो हमारी बहाली हुई, न ही वो हमारे बीच में आके बैठा। उसी के रोष में आज हम प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे आवास से पहुँचे हैं और जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा और हमारे बीच में आके नहीं बैठेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे 4 दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, हम यहीं पे बैठेंगे। आज जो हमारा 2 तारीख का प्रोग्राम था, माननीय हमारे विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान से बात करने का था। उनसे हमारी कल बात हुई थी, अगजी हम आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मिलो, आपका घर है, मैं आपको वहीं मिलूंगा। फिर उनका सुबह फोन आया, अब मैं 4 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। मेरा प्रोग्राम बड़ौदा हल्का के बिठाना गाँव में है, कॉलेज का कोई प्रोग्राम है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ पर हमारे दादरी जिले के साथ लगते जिले 4 जिले यहाँ पहुँचे हैं। हम सोमवीर सांगवान से इस बात पर मुलाकात करने आए थे, जो जींद के अंदर रैली हुई थी, जो महापंचायत थी उसके अंदर सांगवान साहब ने हमें आश्वासन दिया था, आश्वासन ही नहीं समाधान करवाने के लिए बोला था। अब मैं आपके साथ हूँ, अगर आपका समाधान नहीं होता है तो मैं सरकार से समर्थन वापस लेके आपके साथ दरी पर बैठूंगा। इसलिए हम पूछने आए हैं, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ तो आपकी क्या मंशा है सांगवान साहब? और 23 तारीख का जो पेपर हुआ था, वो हम पहले कहते थे, हमने तो उसका बहिष्कार कर दिया था, लेकिन वहाँ नकल हुई, आंसर की मिली, पेपर आउट हुआ, हमारे पास उनकी सभी कॉपियाँ हैं। ये देखिए, 4 अभ्यर्थी 8-8 लाख रुपए में पीटीआई की परीक्षा नकल करवाते सोता गिरफ्तार। पीटीआई परीक्षा नकल करवाने घुसा आंसर की के साथ गिरफ्तार। दिल्ली फरीदाबाद के सब इंस्पेक्टर करवाने आए थे पीटीआई भर्ती परीक्षा में नकल। पीटीआई भर्ती परीक्षा में आरोपित मदद करने वाला गिरफ्तार। पीटीआई भर्ती परीक्षा आरोपित कपिल रेलवे कर्मचारी निकला, धर्मशाला में बैठकर हल कर रहे थे प्रश्न पत्र को काबू किया। 12 अभ्यर्थियों को मोबाइल पंचकुला में साइबर सेल में भेजे, संदेश पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे आरोपित, तो हम तुरंत प्रभाव से रद्द करवाएंगे। और कल हमारा जो प्रदर्शन है आयोग के सामने पंचकुला होगा, वहां आयोग से पूछेंगे ये जो आपने परीक्षा ली है, ये जो पेपर आउट किया है, इसका किसी सरकार के दबंग मंत्री का या चाल गुजारिश का जो चापलूस लोग ले गए, या आपने अपनी मनसा से पेपर दिया है, तो इसको कल हम वहां आयोग के दफ्तर के सामने अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और उससे पेपर को तुरंत प्रभाव से कैंसिल करवाने के लिए और हमारी नौकरी को बहाल करवाने के लिए हम अपनी मांग रखेंगे। आज का किस तरह क्या विधायक से मुलाकात होगी? आज हमारी अभी विधायक से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरी बातें उनका जो PSO है सुभाष एसआई जी, उनसे बातें हुई थी, वो कह रहे थे 1-1.5 घंटे में विधायक जी आपके पास पहुंच जाएंगे और आपकी समस्या को सुनेंगे। विधायक जी नहीं मिलते हैं तो? है जी, विधायक जी नहीं मिलते हैं, विधायक नहीं आते हैं तो हम देखते हैं,
हमारा विचार है, हमें कल ही कह दिया था हम आपसे मिल के जाएंगे, चाहे आप दो दिन में आए चाहे तीन दिन में आए, हम यहीं पर अपना धरना रखेंगे और विधायक से मिल के जाएंगे। लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा विधायक जी एक पंचायती होने के नाते हमारे पास न आएंगे। हमें विश्वास है क्योंकि सांगवान खाप सबसे बड़ी खाप है, वो हमारे पास आएंगे और हमारी समस्या का सुझाव वो हल निकालेंगे।